जनसुनवाई में आदिवासी महिला सरपंच ने रोजगार सहायक पर लगाया फर्जी हस्ताक्षर कर राशि निकालने के आरोप। शिवपुरी जिले के करैरा जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत दावरदेही की आदिवासी महिला सरपंच ने रोजगार सहायक पर सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर कर राशि निकालने सहित पंचायत में भारी भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। महिला सरपंच जमुना आदिवासी ने मंगलवार को इसकी शिकायत कलेक्टर की जनसुनवाई में करते हुए रोजगार सहायक को हटाने सहित पंचायत में किए गए भ्रष्टाचार की जाँच करने की मांग की है। सुनिए क्या कहा महिला सरपंच जमुना आदिवासी ने। नाम है आपका? जमुना आदिवासी। कहाँ से आई हो आप? दावरदेही। आप क्यों आई हो यहाँ पर? सर मैं अपने सचिव की वो करने आई हूँ, मेरे काम में सचिव तो पूछती हूँ सर, मुझे ना कोई काम का पता। तो क्या आप सरपंच हो? हाँ सरपंच। हाँ तो अब आप क्यों आई हो आप बताओ। शिकायत किस चीज की? शिकायत करनी है सरपंच के बारे में। क्या सर? मेरे को ना जी पता कितना पैसा निकल चुका, कितना काम निकल चुका। मेरे गांव में रमेश खटी जी आए थे, उसने कहा कि काम आरसीसी निकल चुकी, इसका पैसा कहाँ गया सर? जब मेरे को पता चला। अच्छा, मुझे कोई पता नहीं है सर, उसी ने कहा। ठीक है, तुम्हें सरपंच बनने तो करीब एक डेढ़ साल हो गया सर। 2 साल हो चुकी, अभी तक मैंने बैंक भी नहीं देखा सर, कहाँ से पैसे निकलते हैं, कैसे निकलते हैं। आपके साइन के बिना पैसा तो नहीं निकल सकता। नहीं सर, आपके साइन के बिना पैसा नहीं निकल सकता। आप साइन कर रही होगी तभी तो पैसा निकल रहा है सर, कोई पता नहीं। आज तक साइन नहीं करवाया आपसे, तो फिर आपके साइन कौन कर रहा है? वो उसी ना करे होंगे, जैसे भी करेंगे। सेक्रेटरी करता है? कौन है सेक्रेटरी? नीलेश यादव। नीलेश यादव, कभी आपने सेक्रेटरी से बात की है? सेक्रेटरी से बात की है आपने कभी? सर बात तो यहाँ करती थी, लेकिन अभी पता नहीं है ना, मैंने अभी तक बैंक देखा ना, पैसा देखी कैसे पैसे कड़क कहाँ से कड़क। अरे गाँव वालों के काम तो करती होगी ना? नहीं सर, कुछ भी काम नहीं हुआ गाँव में। अच्छा, अभी तक 2 साल हो चुके, कुछ भी काम नहीं हुआ सर। आप गांव में भी जाकर देख सकते हैं। आप तो जनप्रतिनिधि हो, आपको देखना चाहिए था ये सब बातें। तो सर कुछ काम ही नहीं बताते, तो आप सचिव से पूछती तो होगी ना? सचिव से। अच्छा, सरपंच के काम क्या क्या होते हैं बताओ। सरपंच के हमारे सी सी आदिवासियों को मकान दिलाना, पेंशन बनवाना, बहुत से काम है सर, लेकिन मेरी कोई जानकारी नहीं। तो आपने अब तक कितने काम करवा दिए? सेक्रेटरी आपसे कोई पूछती नहीं है? गांव वालों के पास कितनी बार गई थी? जब सर मेरे पास कोई काम ही नहीं है, तो गांव वालों के पास में क्या जाती, क्या गांव वाले उनको देती कि जो काम आगा वो करो, कुछ है ही नहीं है काम, तो मैं गांव वाले से क्या जाऊँगा। नहीं तो आप चुनाव लड़ी थी ना, तो वोट मांगने गई होगी ना? हाँ सर, वोट मांगने गई थी। तो वोट मांगने गई थी, अब गांव वाले नहीं आते तुम्हारे पास कि हमारे काम करवाओ? सर मैं कह दी थी सचिव, सचिव भी घूमने की।